Hello friends, welcome to Biology by Vibhu and this is your educator Vibhu Prasad Ratha. And yes, I'm so sorry before starting this video for uploading late video in my channel. But from now, I will try to upload regular videos in my channel. I was actually uploading this video too late because my health was not right. I was suffering from severe cold and fever, but now it's all good. And yes, this video consists of the biochemistry portion of the ABO blood group system. So keep watch this video till the end to get all the information regarding what is the biochemistry behind ABO blood group system, how it happens. Okay. And yes, the third part will definitely come in this series, which will suggest you the inheritance pattern of the ABO blood group system. And yes, don't forget to hit the like button, subscribe the channel and share the video among your friends. And yes, don't forget to share your feedback in the comment section too. Thank you. So now we are going to discuss about the biochemistry of ABO blood group. देखिए, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था मल्टीपल एलेलिज्म और कोडोमिनेंस के ऊपर, वहाँ पर मैंने एबीओ ब्लड ग्रुप का एग्जांपल बस दिया था कि कैसे ये मल्टीपल एलेलिज्म को भी सेटिस्फाई कर रहा है और कोडोमिनेंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा इसका बायोकेमिस्ट्री क्या है, कि कैसे एबीओ ब्लड ग्रुप अपना जो मैकेनिज्म शो करता है, मतलब कि ए ब्लड ग्रुप क्यों होता है, बी ब्लड ग्रुप क्यों होता है, ओ ब्लड ग्रुप क्यों होता है, या फिर ए बी ब्लड ग्रुप क्यों होता है। देखिए, हमें पता है कि चार तरह का ब्लड ग्रुप्स है, जैसे कि ए हो गया, फिर ए बी हो गया, फिर बी हो गया और ओ हो गया। तो इस तरह का चार ब्लड ग्रुप हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों है। और हाँ, इसका जो तीसरा वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप कैसे इनहेरिटेंस करता है, मतलब कि अगर पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए हुआ तो ए, या फिर बी, या फिर ए बी, या फिर ओ हुआ तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा, वो सारे के सारे जो इनहेरिटेंस पैटर्न है उसके बारे में हम तीसरा वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बायोकेमिस्ट्री कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले इट्स द सरफेस एंटीजन प्रेजेंट ऑन द आरबीसी। देखिए, ये जो ए या फिर ए बी या फिर बी या फिर ओ, ये जो भी हो रहा है ये किसके आधार पर हो रहा है, सरफेस एंटीजन जो कि प्रेजेंट होता है किसके ऊपर, ना सरफेस एंटीजन ऑन आरबीसीज। ओके, जो आरबीसी होता है उसका सरफेस के ऊपर कौन सा वाला एंटीजन प्रेजेंट होता है, उसी के आधार पर हम ये डिस्कस करेंगे कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि एक इमैच्योर आरबीसी का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि उसके ऊपर कौन सा एंटीजन आ रहा है या फिर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमें एक इमैच्योर आरबीसी यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए, तो देखिए, मान लो कि ये एक आरबीसी का सरफेस हुआ जो कि इमैच्योर आरबीसी है। तो इसका सरफेस के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैं, हाँ, इसके ऊपर देखिए सबसे पहले ऐसे ग्लूकोज आ जाता है, आप लिख सकते हो यहां पर ग्लूकोज, फिर उसके बाद गैलेक्टोज, यहां पर गैलेक्टोज, और फिर यहां पर आप लिख सकते हो एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एन ए जी लिख लेता हूँ, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, और फिर यहाँ पर एक दूसरा गैलेक्टोज आप ऐड कर सकते हो, गैलेक्टोज। तो देखिए, ये हो गया एक इमैच्योर आरबीसी का फॉर्म। ठीक है, ये जो इमैच्योर आरबीसी, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इमैच्योर आरबीसी, इट्स डिवाइड ऑफ एनी टाइप ऑफ एंटीजन।
तो देखिए सबसे पहले ये क्या फॉर्मेशन करेगा ना, ये सबसे पहले एक एच एंटीजन फॉर्मेशन करेगा। कैसे ना, हमें पता है कि जो हमारा जो ब्लड ग्रुप्स होता है वो ब्लड ग्रुप क्रोमोसोम 19 के ऊपर कोड करता है। तो जब क्रोमोसोम 19 उसमें क्या है, देखिए क्रोमोसोम 19 में एक FUT1 जीन होता है, FUT1 जीन, दैट इज फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज जीन। ठीक है, ये जो फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज जीन होता है ये क्या करता है ना, ये फ्यूकोस ग्रुप को ऐड करता है। ये जो ऊपर वाला आप जो इमैच्योर RBC देख रहे हो वहाँ पर ये एक क्या करेगा ना, एक फ्यूकोसिल ग्रुप यहाँ पर एस है, देखिए यहाँ पर एस है, एक फ्यूकोस ग्रुप ऐड होगा, इस तरह का एक फ्यूकोस ग्रुप को ऐड करेगा कौन, ये जो FUT1 जीन है ये कोड करता है फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज, फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज। तो यही फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज ये क्या करेगा ना, ये सबसे पहले एक GDP फ्यूकोस, उसमें से एक फ्यूकोस को लेकर यहाँ पर ऐड कर देगा। तो इसी के साथ हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा, जो इमैच्योर RBC होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा एच एंटीजन में। जब फ्यूकोस ग्रुप ऐड हो जाएगा तो इमैच्योर आरबीसी वो कन्वर्ट हो जाएगा एच एंटीजन में। अभी जान लो कि ये जो एच एंटीजन होता है इसके ऊपर और कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हो एक RBC हुआ है, एक ग्लूकोज है, एक गैलेक्टोज है, फिर एक N-acetyl ग्लूकोसामाइन है और एक गैलेक्टोज और उसके साथ एक फ्यूकोज। तो इतना ही ओ ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन होता है, सरफेस एंटीजन, इसका मतलब जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें और कोई दूसरा भी फॉर्म नहीं होता है, तो वो एक होमोजाइगस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको आप पता है आपको कि वो IO ब्लड ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। फिर देखते हैं कि जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसके ऊपर जो ए एंटीजन हुआ या फिर बी ब्लड ग्रुप हो गया तो उसके ऊपर बी एंटीजन, तो ये ए एंटीजन और बी एंटीजन कैसे फॉर्मेशन करता है इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं उसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो सबसे पहले मैं ये स्ट्रक्चर को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसे फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। RBC ये हो गया आपका इमैच्योर RBC और यहाँ पर सबसे पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद फिर आता है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज के बाद फिर आता है N-acetyl ग्लूकोसामाइन, फिर एक और गैलेक्टोज आता है, अभी इसके साथ आप ऐड कर सकते हो फ्यूकोज जो कि अभी एच एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये हो गया फ्यूकोज। देखिए अभी जो ए एंटीजन है उसको मैं येलो कलर से शो कर रहा हूँ और जो बी एंटीजन है उसको मैं रेड कलर से शो करता हूँ। तो आप देख सकते हो जो ए एंटीजन है वो कोड करता है N-acetyl ग्लूकोसामाइन ट्रांसफरेज, ये ए एंटीजन कोड करता है
एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ट्रांसफरेज, और जो बी एंटीजन होता है वो कोड कर रहा है गैलेक्टोज ट्रांसफरेज, वो बी एंटीजन कोड कर रहा है गैलेक्टोज ट्रांसफरेज। तो अभी क्या होगा ना, आप देख सकते हो जो ये जो एच एंटीजन प्रेजेंट है, अगर इसके ऊपर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ट्रांसफरेज एंजाइम एक्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा ना, वो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ऐड करेगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ऐड करेगा। तो इससे क्या होगा ये ए एंटीजन फॉर्मेशन करेगा, जिससे कि इसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये गैलेक्टोज एक्स्ट्रा ऐड कर लेता है, मतलब कि अगर गैलेक्टोज ट्रांसफरेज यहाँ पर ऐड करेगा तो ये फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर गैलेक्टोज, वन एक्स्ट्रा गैलेक्टोज दैट विल फॉर्म द बी एंटीजन। तो अभी मुझे लगता है कि आपने समझ गए होंगे कि यहाँ पर ब्लड ग्रुप कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको मैं फिर से दोहरा देता हूँ, अगर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ट्रांसफरेज एंजाइम यहाँ पर एक्ट करता है तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, देखिए जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो होता है एच एंटीजन, इसके बारे में मैंने सबसे पहले आपको बता रखा है कि ये हो गया एच एंटीजन जो कि सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप को कोड करता है। लेकिन अगर इसके ऊपर येलो कलर से आप गैलेक्टोज एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ट्रांसफरेज को एक्ट करोगे तो वो इसे ऐड करेगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन को ऐड कर लेगा। तो इससे क्या होगा, ए एंटीजन फॉर्मेशन हो जाएगा जिससे कि ए ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर वहाँ पर बी एंटीजन एक्ट करेगा और वो गैलेक्टोज ट्रांसफरेज ऐड करेगा तो इससे क्या होगा ना, गैलेक्टोज वन एक्स्ट्रा गैलेक्टोज ऐड हो जाएगा जो कि बी एंटीजन को फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए अगर सिर्फ एच एंटीजन रहा तो वो ओ ब्लड ग्रुप देगा, अगर वहां पर ए एंटीजन रहा तो वो ए ब्लड ग्रुप देगा, और अगर वहां पर बी एंटीजन रहा तो वो बी ब्लड ग्रुप देगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, दिस वन इज द बायोकेमिस्ट्री पोर्शन ऑफ द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। So if you like it, then do like, subscribe and share Biology by Bibhu. Thank you.